हाय फ्रेंड्स, हम सब लोग आर्डुइनो से घर में छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट तो बनाते ही है और वो बहुत ही अच्छे रन करते हैं, बहुत ही अच्छे चलता है। बट ये सब प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है और आर्डुइनो भी इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो फिर हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आखिर बेकार सा ही है। तो आखिर हम लोगों का प्रोजेक्ट क्यों बेकार सा है, क्यों इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों आर्डुइनो इंडस्ट्री में एक्सेप्ट किया नहीं जाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है और क्या रीजन है जो आर्डुइनो और ये छोटा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो टुडे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों आर्डुइनो या आर्डुइनो का जो प्रोजेक्ट है वो इंडस्ट्री में या हेवी स्केल इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके पीछे तो बहुत सारे रीजन है, बट मेरे पास टोटल फाइव रीजन है जो हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। इसका छोड़ के बहुत सारे रीजन है। तो पहले जो रीजन है वो है टेम्परेचर या रोबस्ट ऑपरेशन। देखिए, इंडस्ट्री बहुत तरह के हो सकता है, जैसे आपका हीट ट्रीटमेंट, फाउंड्री, फोर्ज। बेसिकली मैं ये तीनों इंडस्ट्री के बारे में क्यों बोला, क्योंकि इधर टेम्परेचर रेंज बहुत हाई होता है, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर से बहुत हाई इसका जो टेम्परेचर रहता है, तो नॉर्मल एनवायरमेंट टेम्परेचर ज्यादा होता है। बट आप बोलेंगे कि पैनल जो जहाँ जो सर्किट इंस्टॉल होगा उधर तो पैनल में एसी रहेगा। हाँ, पैनल में एसी रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा गया है कि इंडस्ट्रियल एसी वो काम नहीं करता। तो हम लोगों का जो आर्डुइनो है वो हम लोगों का जो टेम्परेचर रेंज है वो ओके फाइन, वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा आगे टेम्परेचर नहीं जाएगा। बट इंडस्ट्री में बहुत तरह का मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है, टेम्परेचर आपका वेरिएशन ज्यादा है, डार्क ज्यादा है और वहाँ पर सार्च हार्मोनिक बहुत ज्यादा है। तो इस मामले में अगर हम लोग आर्डुइनो लगाएंगे तो ये बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, बार बार खराब हो सकता है। जो हम लोग इंडस्ट्री में मेनली बेसिक जो चाहिए ऑटोमेशन के लिए वो है पीएलसी। पीएलसी मेन दो जो ब्रांड, तीनों मैं बोल रहा हूँ, एक है सीमेंस है, एक है फानुक है, मित्सुबिशी है, ठीक है। तो ये तीनों ब्रांड का जो मेन सीमेंस फॉर्म का जो पीएलसी होता है बहुत ही रोबस्ट होता है, बहुत उसका टेम्परेचर एक्सेप्टेबल, सार्च हार्मोनिक्स या फिर जो है डस्ट, ये बहुत मतलब वो एक्सेप्टेबल रेंज पे है, बहुत झेल सकता है वो वाला। सो उस मामले में आर्डुइनो थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो नंबर वन रीजन है वो, इसके वजह से आर्डुइनो या आर्डुइनो का प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, दूसरा जो मेन रीजन है वो कॉम्पेटेबल विथ अदर डिवाइस। कॉम्पेटेबल विथ अदर डिवाइस मतलब क्या है? अगर आप इंडस्ट्री में गए हैं कि काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे का जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो बहुत सारे का ड्राइव्स यूज होता है। ड्राइव मतलब मोटर ड्राइव्स यूज होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर यूज होता है, सीपी कंट्रोलर, आपका जो स्पीडोमीटर और बहुत सारा का पैरामीटर सीएनसी के साथ जो इंटरफेस होता है, या फिर और भी बहुत सारे का डिजिटल कंट्रोलर लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है उसको जो और कम्युनिकेशन भी है उसके साथ। कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे का इथरनेट कम्युनिकेशन है, RS-485 कम्युनिकेशन है, RS-422 कम्युनिकेशन है, RS-232 कम्युनिकेशन है, प्रोफिबस कम्युनिकेशन है, प्रोफिनेट कम्युनिकेशन है, बहुत तरह का कम्युनिकेशन है जो आर्डुइनो कंपैटिबल नहीं है बहुत सारे का कम्युनिकेशन। बट हो सकता है आर्डुइनो के साथ हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आर्डुइनो के साथ हम लोग RS-232 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, RS-485 कम्युनिकेशन करते हैं, बट प्रोफिबस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट इंडस्ट्री में जैसे एक आपका पीएलसी लगा हुआ है, उससे बहुत सारे 10-20 ऐसे बहुत सारे ड्राइव या टेम्परेचर कंट्रोलर आप कंफर्टेबल कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, आपको जीएसडी फाइल लेकर आता है वो इंस्टॉल करना होगा, आपको देना होगा कि एड्रेस क्या है उसका, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, कितना बीपीएस में कम्युनिकेशन करना है, वो बहुत ही ईजी है प्रोग्राम या कॉन्फिगर करना। बट आर्डुइनो में अगर आप इथरनेट लेकर काम किए हो तो वो कॉन्फिगर करना, उसके साथ कम्युनिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और इंडस्ट्री में एक डिवाइस से बहुत सारे डिवाइस इंटरनेट में कनेक्टेड होता है, वो इवन वो नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे रिमोट कंट्रोल ये सब भी होता है। बट आर्डुइनो में अभी भी वो उससे पीछे है, उसमें अगर वो हो सकता है हम लोग कर सकते हैं, बट
उसमें जितना आपका मतलब मेमोरी खाएगा, उसमें जितना आपका कॉम्प्लिकेसी आ जाएगा प्रोग्राम में, उतना इंडस्ट्रियल जो पीएलसी है जो उसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या, और स्पेशली जब ड्राइव और टेम्परेचर कंट्रोलर ये हम लोग लगाएंगे उसके साथ, वो आर्डिनो का कंफर्टेबल नहीं होगा, जो स्पेशली पीएलसी के साथ कंफर्टेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्पेशली इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए इंडस्ट्री में आर्डिनो या आर्डिनो का प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद जो मेन रीजन आता है वो है प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम अपलोड या प्रोग्राम डाउनलोड। देखिए एक चीज तो हम लोगों ने जानते ही हैं कि आर्डुइनो में जब हम लोग प्रोग्राम करता है वो सी के तरह एक लैंग्वेज है, सी सी के ऊपर बेस करके। और हम लोग जब भी छोटा मोटा एडिट करके और जब भी हम लोग प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं वो पूरा मेमोरी को एक बार रिबूट रिसेट करता है, मतलब पूरा सिस्टम को रिसेट करता है। उसके दौरान प्रोग्राम रन होना बंद हो जाता है। बट सपोज आप कई हेवी वेट इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, बहुत एक प्रोसेस लाइन चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता। अगर कुछ आपका चेंजेस करना है, कुछ आपको करना है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि टोटल सिस्टम को ऑफ करना, ठीक है, पूरा नया से स्टार्ट करना है, क्योंकि उधर बहुत सारे डेटा प्रोसेस होकर रखा हुआ है। तो ये जो पीएलसी है, पीएलसी में अगर आप एडिट करें प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम एडिट करके डाउनलोड करें, ठीक है, पीएलसी में, वो कभी वो प्रोग्राम वो पीएलसी कभी स्टॉप मोड में नहीं जाता है। जैसे प्रोग्राम चल रहे वही चल रहा है, जहां पर आप एडिट किए वही से वो लॉजिक से ऐड हो जाता है। ये आर्डुइनो पे नहीं होता है। ये एक बड़ा रीजन है इंडस्ट्री में आर्डुइनो का यूज ना होने का, क्योंकि आप कभी इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा प्रोसेस लाइन, मेरा मेसिंग बंद हो जाए। और इंडस्ट्री में जो जो प्रोग्राम यूज होता है वो बेसिकली मैं बेसिक पीएलसी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि वो लैडर लॉजिक यूज होता है, उसके बाद एसटीएल एफबीडी सब आता है, जैसे सीएनसी लॉजिक आता है। बट वो जो जो आपका जो जो लैडर लॉजिक यूज होता है वो बहुत ही इजी है, और उसको थोड़ा बहुत स्टडी करके आप उसको बहुत ही इजी से सीख सकते हैं, बहुत ही इजी से वो प्रोग्राम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। बट आर्डुइनो में हम लोग जो सी बेस्ड प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करते हैं वो आपको सीखना होगा, वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडस्ट्री में हम लोगों को इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए कि कोई ब्रेकडाउन रहे या कुछ चेंज करना पड़े, उसके लिए बहुत मेरा मेटेरियल या बहुत मेरा लाइन में कोई इफेक्ट आए। तो ये एक रीजन है। उसके बाद आयो एंड वोल्टेज लेवल एंड ऑल। आयो मतलब देखिए हम लोगों को आयो इंडस्ट्री में, एक बड़ा इंडस्ट्री में बहुत आयो का जरूरत होता है। आयो मतलब इनपुट और आउटपुट। बहुत सेंसर है, बहुत टेम्परेचर कंट्रोलर है, बहुत तरह का लिमिट स्विचेस है, बहुत सारे का फीडबैक है, ओवरलोड रिले जैसे एमपीसीबी एमसीसीबी, बहुत सारे का अलार्म लाइट इंडिकेशंस आउटपुट ये सब है। उसके बाद मोटर ड्राइव पाइप ये सब बहुत सारे का आउटपुट, मतलब आउटपुट एक मिनिमम मशीन में, एक मीडियम साइज का मशीन में आपका मिनिमम 100 इनपुट 100 आउटपुट तो मिनिमम चाहिए चाहिए। बट आर्डुइनो में आप कभी भी ये कर नहीं सकते। मैक्सिमम हम लोग कहाँ देखा मेगा ये ड्यू से मैक्सिमम 64 आपका इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं, पर इंडस्ट्री में 64 मतलब मिनिमम, ये मतलब कुछ नहीं है। 64 इनपुट आउटपुट से कुछ नहीं होगा। हाँ हम लोग आर्डुइनो से कर सकते हैं, दोनों मेगा या दोनों ड्यू लगाए उसके साथ आप आई टू सी या फिर सीरियल कॉम्युनिकेशन या इथरनेट कॉम्युनिकेशन लगा के कर सकते हैं, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जो पीएलसी आता है वो कैसे आता है, आप मेन एक सीपीयू आता है उसके साथ एक 32 बिट का एक आईओ कार्ड आता है, वो आईओ कार्ड लगा दीजिए, कॉन्फिगर कर दीजिए उसका स्पेसिफिकेशन, वो पूरा इसके साथ कंपेटेबल हो गया। एक आईओ कार्ड लगाइए, वो आईओ कार्ड अलग अलग मिलता है, लगा दीजिए, वो एनालॉग भी इनपुट ले सकते हैं, डिजिटल इनपुट ले सकते हैं, एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं, डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं, आपको रिकमेंडेशन हिसाब से वो आप कार्ड लगाते जाइए, आपको आयो इंक्रीज होते जाएगा, जो आर्डिनो में वो फीचर्स नहीं है। और ये एक बड़ा रीजन है जो इंडस्ट्री में इसके लिए आर्डिनो नहीं यूज होता है। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब मैं पहले भी थोड़ा इसके थोड़ा रीजन बोल चुका हूँ। अब इंडस्ट्री में क्या है, बहुत ही रोबस्ट ऑपरेशन होता है, और यहाँ पर रोबस्ट ऑपरेशन होता है, वोल्टेज ऑलवेज स्टेबल नहीं होता है, बहुत स्पाइक आता है जो आर्डुइनो कभी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि आर्डुइनो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और ये इंडस्ट्री लेवल के लिए नहीं बनाया गया है।
इंडस्ट्रियल लेवल पे जो मशीन माना जाता है, ये सब मान के चलता है कि ये हार्मोनिक स्पाइक वोल्टेज अप डाउन होते रहेगा, तो उसके हिसाब से तो वो कभी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट आर्डुइनो में ये बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और इंडस्ट्रियल में जो कंट्रोल वोल्टेज, जैसे आर्डुइनो चलाने के लिए आपको 5 वोल्ट या ड्यू यूज करेंगे 3.3 वोल्ट और ये होगा, बट इंडस्ट्री में जो एक्सेप्टेबल वोल्टेज लेवल है कंट्रोल की वो 24 वोल्ट DC है। तो हम लोग आर्डुइनो में ये 24 वोल्ट DC से 5 वोल्ट का की या 5 वोल्ट जो आउटपुट या 3.3 वोल्ट जो आउटपुट है उसको हम लोग ऑप्टोकपलर या ट्रांजिस्टर या फिर डीले लगा के उसको 24 वोल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, उसका डिजाइन यहाँ पे बल्की हो जाएगा। जो इंडस्ट्रियल के लिए बल्की चीज मतलब वो ज्यादा स्पेस लेगा, जो हम लोगों का मेन जो पैनल डिजाइन है इंडस्ट्री के लिए वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कि बल्की हो जाए बड़ा हो जाए, छोटा कॉम्पैक्ट जितना हो सकता है उतना ही अच्छा है। तो ये मैंने जो 5 पॉइंट डिस्कस किया, ये मेन 5 रीजन है जिसके चलते इंडस्ट्री में काफी आर्डुइनो या आर्डुइनो रिलेटेड प्रोजेक्ट या आर्डुइनो से नहीं आर्डुइनो जैसा कोई भी जो बोर्ड है वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। हाँ मतलब ये आर्डुइनो की आवश्यकता है कोई भी एक डेडिकेटेड मशीन के हिसाब से आप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। डेडिकेटेड मशीन मतलब क्या, सपोज आप लोग एक आर्डुइनो से टेम्परेचर प्रोसेस कंट्रोलर बनाए हैं, मतलब ओनली ये काम करेगा टेम्परेचर कंट्रोलर, उसका काम है टेम्परेचर मेजर करना, टेम्परेचर मेजर करने के उसको एक आउटपुट देगा, आउटपुट देख कुछ स्क्रीन लगा या पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, और वो एक RS-232 या RS-485 कम्युनिकेशन कर सकते हैं विथ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मतलब आपकी हिसाब से प्रोटोकॉल बना दिए नहीं चलेगा इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो आपको बनाना पड़ेगा, वो अगर बनाइए तो ये चल सकता है। वो भी देखना होगा वोल्टेज लेवल सब कुछ लेवल, इंडस्ट्री में बेसिकली जो कंट्रोल वोल्टेज होता है वो जीरो कंट्रोल वोल्टेज, मतलब टेम्परेचर कंट्रोलर से जो ड्राइव या जिसको कंट्रोल करेगा वो मेनली कंट्रोल वोल्टेज होता है 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 mA। मतलब सपोज टेम्परेचर कंट्रोलर से कुछ आपको सपोज कहाँ कहीं पर भी अगर हीट ज्यादा हो जाएगा वो टेम्परेचर कंट्रोलर से वो फैन चालू करेगा। अब वो ड्राइव से चल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे कंट्रोल होता है कि PID कंट्रोल होता है, जैसे कि थोड़ा अगर 1 डिग्री ज्यादा है तो धीरे फैन चलेगा, या 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है सेट पॉइंट से तो ज्यादा स्पीड पे फैन चलेगा। तो तब क्या है वो जो कंट्रोल वोल्टेज देता है टेम्परेचर कंट्रोलर से ड्राइव को, वो दोनों है मैं बोल चुका हूँ 0 to 10 वोल्ट है या 4 to 20 mA है, जहाँ वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल लेवल पे एक्सेप्टेबल है, तो वही हिसाब से आप अगर बनाइए तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो जनरली यही रीजन है जो इंडस्ट्री में आर्डुइनो नहीं ना यूज होने का। सो थैंक यू।